जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक प्रक्रिया शुरू की है कि पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बीमार था, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं मिल पाया, और नेट की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पूरी तरीके से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। बट वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू मेक यू अपडेटेड ईच एंड एवरी टाइम। आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अकाउंटेंसी का। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमने पहले पढ़ा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज आपको हो जाएगा, उसे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी वो वीडियोस पुराने देखने के लिए इस अकाउंटेंसी के रिलेटेड। तो उसके बाद हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, रिकॉर्डिंग इन जर्नल किस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग उसमें हमने ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी पढ़ाए थे, और उसके पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स पढ़ाए थे, उसमें पर्सनल के टाइप्स, रियल के टाइप्स और नॉमिनल के टाइप्स भी हमने पढ़ाए थे। फिर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया था, उसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल किस तरीके से होता है, एक्सपेंसेस किस तरीके से होते हैं, इनकम किस तरीके से होता है, उनका नेचर क्या होता है, इंक्रीज जब होते हैं तो क्या होता है उस वक्त, और डिक्रीज जब होते हैं, उनके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया था। फिर हमने स्टेप्स ऑफ डूइंग जर्नल एंट्री, उसमें एक शॉर्ट फार्मूला भी बताई थी। उसके बाद हमने डिस्काउंट्स के बारे में डिस्कस किया था, बैड डेबिट्स के बारे में डिस्कस किया था, और कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस पूरी तरीके से किया था। और उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े थे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में। एक्सपेंडिचर किस तरीके से, इसके टाइप्स क्या है, एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है, और इनकम क्या है, इसका नेचर क्या है, और इसकी एंट्री किस तरीके से हम करते हैं। देखो, एक्सपेंडिचर को हम अगर हम जानेंगे तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, सिंपली खर्चा, जो हम खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर में दो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर और दूसरे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। अब प्रीपेड एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, एडवांस में अगर हम किसी को पे कर लेते हैं, मान लो मैं किसी भी रूम में रेंटेड हूँ, ठीक है, ये मेरा एक रूम है, रेंटेड हूं इस रूम में, तो मैंने पहले ही अपने मकान मालिक को 3 महीनों का किराया दे के रखा है। अब मैं उनकी सर्विसेज का फायदा उसके बाद में उठाऊंगा, पहले ही जब मुझे पे करना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर, यानी कि एडवांस एक्सपेंडिचर एंड सर्विसेज आर एंटरटेनड लेटर। एडवांस में हम खर्चा कर देते हैं और सर्विस हमें लेटर। इसमें जरूरी जरूरी एक क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट में एक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, और उस क्वेश्चन को भी जो आया है पुराने एग्जाम में उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, सर्विसेज आर एंटरटेनमेंट बिफोर, हम सर्विसेज ही पहले ले लेते हैं। मान लो मेरे किसी भी मतलब फ्रेंड की शादी थी और अब मैं इस रूम में रह रहा था, मुझे 3 महीने का किराया देना है और मैं नहीं दे पाया किसी भी कारण से। अब मैं ये 3 महीने का किराया नहीं दे पाया किसी भी कारण से, क्योंकि मेरे फ्रेंड की शादी थी, मुझे वहां पर खर्चा हो चुका था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मकान मालिक को बोल रहा हूँ कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, 3 महीने के बाद मैं वो सारी दे दूंगा, ठीक है। जब मैं 3 महीने के बाद वो सारी रेंट पे करूंगा तो मैंने सर्विसेज का फायदा पहले ही एंटरटेन किया, पहले ही फायदा उठाया, बट बाद में मैं वो पे करूंगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। वो भी हमें खर्चा हो जाता है बट उसका नेचर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग नेचर होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने आपको दोनों में एग्जाम्पल दे दी, एक ही एग्जाम्पल को दोनों तरीके से समझाया। अब इसका अगर हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स का नेचर अगर देखेंगे, नेचर क्या होता है इनका, वो एसेट्स का नेचर होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स का नेचर क्या होगा, तो उनका नेचर किस तरीके से हम मतलब डिस्कस करेंगे। जैसे एसेट्स हमने पढ़े, लाइबिलिटीज पढ़े, 5 टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े, तो उनमें इसका नेचर क्या रहेगा, और इसके अलावा आप मुझे बताइए कि इसका नेचर क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और इसका भी आप क्रेडिट या डेबिट जो नेचर होगा इसका, वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर चाहिए, क्योंकि आपके रिएक्शन ही मुझे पता उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप मतलब ग्रासप कर पा रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो वो हमें जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। अब अगर बात करेंगे इनकम के बारे में, देखो इनकम ऐसे एक्सपेंडिचर्स तो क्लियर हो गए, अब इनकम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनकम क्या होती है, इनकम होती है जो हमारे पास मतलब आने पैसे आने होते हैं किसी भी, मतलब मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने कोई भी सर्विस दे दी किसी भी कंपनी को, अब वो मुझे पे कर रही है, सैलरी के बेस में पे कर रही है, दैट इज माई इनकम, वो मेरे पास आ रही है, तो सैलरी क्या है मेरे लिए, सैलरी मेरे लिए इनकम बन जाती है। अब इनकम के भी टाइप्स होते हैं, किस तरीके से टाइप्स है, इसमें एक प्रीपेड एडवांस या अर्न इनकम बोलते हैं,
अनअर्न इनकम बोलते हैं। अब प्रीपेड या एडवांस या अनअर्न इनकम किस तरीके से होता है? रिसीवर, हम किसी भी जगह से, मान लो मैं एक कंपनी में, इसी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो महीने में, महीने महीने में मुझे सैलरी मिलती है। अब मैं क्या करता हूँ, कंपनी के बॉस को बोलता हूँ, सर मेरे घर में शादी है, और किसी की भी शादी हो रही है, मेरे फ्रेंड की शादी हो रही है, तो मुझे आप एडवांस में इस महीने की सैलरी दीजिए। तो ये मेरी एडवांस सैलरी दे देता है। कौन देता है एडवांस सैलरी? जब बॉस दे देता है, तो उस वक्त वो इनकम मेरी एडवांस इनकम या प्रीपेड या अनअर्न इनकम बन जाती है। दूसरा जो इसका टाइप होता है, रिसीव्ड बट अर्नड नॉट अर्नड येट, ये वो इनकम होती है जो हम रिसीव कर देते हैं बट हमने अभी तक वो कमाई नहीं होती है, दैट मींस प्रीपेड इनकम उसको बोलते हैं। अब दूसरा इसमें जो टाइप आता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। अब ये दूसरी जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इनकम तो अर्न कर लेते हैं, हम तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड तो दे देते हैं बट हमें पैसा नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को हम एक्वायर्ड इनकम के नाम से जान लेते हैं। मान लो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर मुलाजमों की बात, वो मतलब साल साल भर ड्यूटी देते हैं और उनको सरकार की तरफ से कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। जब उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है तो वो किस में आता है, वो इनकम कंसिडर की जाती है एक्वायर्ड इनकम में। तो ये थी इनकम की टाइप्स और एक्सपेंडिचर के टाइप्स। देखिए यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो मान लो आपका एक क्वेश्चन डन है, और यही क्वेश्चन मतलब मोस्ट चांसेस है इसी के आने के। देखो हमने कितने टाइप्स आप पढ़े, इनका एक्सपेंडिचर और इनकम में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्वायर्ड इनकम और अनअर्न इनकम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब इनका क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, ये मतलब हमारे पास ड्यू तो होते हैं, मतलब हमने सर्विस तो दी होती है बट हमने, हमें पेड मिलते ही, मतलब हमने अभी पे नहीं किया होता है, पेड हमने पे किया होता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स में, पेड बट नॉट ड्यू, मतलब हमें उनसे सर्विस नहीं मिली हुई होती है। अब एक्वायर्ड इनकम की बात करेंगे, अर्नड आर ड्यूड, ये हमने अर्न की होती है बट नॉट रिसीव्ड, हमने रिसीव नहीं की होती है। अब अनअर्न इनकम की अगर हम बात करेंगे तो ये हमने रिसीव की होती है बट हमने अभी तक अर्न नहीं की होती है। अब इनमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अब इनमें क्वेश्चन आता है आप हमें नेचर बताओ इनमें, अगर ये इसमें से किसी को भी मतलब क्वेश्चन में डाल देंगे उसका नेचर बताओ, नेचर क्या होगा, नेचर इसका अगर देखेंगे आउटसाइड एक्सपेंडिचर का नेचर जो होता है वो लाइबिलिटी का नेचर होता है, मतलब ये हमें खर्च करने ही करने हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमें अभी मतलब खर्च करने हैं, करने किसी भी हालत में ये पैसे हमें वापस देने पड़ेंगे, तो इसका जो नेचर होगा वो लाइबिलिटी का नेचर होगा। अब अगर अब प्रीपेड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये हमारे पास एसेट के नेचर में आ जाते हैं, मतलब इसकी एंट्री एसेट्स में हो जाएगी। अब एक्वायर्ड इनकम की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमें एसेट्स होते हैं। अब अनअर्न इनकम की बात करेंगे तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमें इसके बदले सर्विस देनी ही पड़ती है। अब अगर बात करेंगे क्रेडिट डेबिट नेचर की, तो आप मुझे बता दीजिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का जो नेचर रहेगा वो क्रेडिट रहेगा, एसेट्स का और या प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स का नेचर जो रहेगा वो रहेगा डेबिट का, और एक्वायर्ड इनकम का जो नेचर रहेगा वो भी डेबिट का रहेगा, अनअर्न इनकम का जो नेचर रहेगा वो क्रेडिट का नेचर रहेगा। इस तरीके से इन दो चीजों के बारे में इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड यू विल इंशाल्लाह सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं इसके बाद, अगर हम कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए, ये बहुत ही पॉइंट है, यहाँ से रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ अपनी कंपनी से या अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर हम कोई भी गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें से कोई भी चीज़ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ला रहे हैं, मतलब मेरी एक शॉप है वहाँ से मैं मान लो चाय का एक पैकेट ले रहा हूँ अपने घर के लिए 50 रुपीज़ का, तो वो मैंने अपने मतलब मैंने उसमें पैसे नहीं डाले बट प्रोडक्ट तो मैंने वहाँ से लिया, उसकी जो एंट्री करनी होती है हमें तो उसके लिए अलग सा अकाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग का अकाउंट। क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट। ये वो मतलब पेंटिंग का अकाउंट नहीं है, उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। ये पेंटिंग कोई ड्राइंग, वो वाली ड्राइंग नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट के लिए बनाना पड़ता है। एंट्री किस तरीके से हमें करनी पड़ती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, इस तरीके से लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, कितना 50 रुपीज़ का हमने चाय लाई थी तो 50 रुपीज़ लिख लेंगे, इस तरीके से इसमें एंट्री करनी पड़ती है। अब अगर बात करेंगे फॉर गुड्स वी परचेज, वी जो भी हम गुड्स गुड्स के रिलेटेड जो भी हमें एक मतलब काम करना होता है तो हमें परचेजेस अकाउंट में एंट्री करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट में किस तरीके से होती है, अब इसमें दो तरीके की एंट्रीज होती है, एक तो सेल ऑफ गुड्स होता है, एक तो होता है परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर हम मतलब चीज़ों को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और अगर हम चीज़ों को खरीद रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स उन्हीं को कहते हैं जो हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में काम आते हैं। जैसे अगर मेरी कंप्यूटर की शॉप है, ठीक है, अब मैं इसमें
मेरे गुड्स कौन कौन से कहलाएंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे पास कीबोर्ड है, ये मेरा गुड्स बन जाएगा, मेरे पास माउस है, ये मेरा गुड्स है, और मेरे पास मतलब लैपटॉप है, ये मेरा गुड्स है, मेरे पास मॉनिटर है, ये मेरा गुड्स है। अब अगर मेरे पास टेबल है, क्या ये मेरा गुड्स है कि नहीं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा गुड्स में कंसिडर नहीं किया जाता है, ये मेरे एसेट्स में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। अब सेल्स की एंट्री किस तरीके से करेंगे? परचेजेस अकाउंट क्रेडिटेड टू बैंक आर कैश, अगर हमें बैंक से ट्रांसफर मिलती है, कैश मिलता है, या बैंक से बैंक में ट्रांजेक्शन होती है, डायरेक्टली कैश मिलता है, तो उस तरीके से भाई कितने रुपीज़ से किया हो, मान लो 500 रुपीज़ से, तो यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा वो। अब अगर हमने परचेज किया है तो उस वक्त क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक आर कैश, उसमें भी हमें किस तरीके से एंट्री करनी है, तो उसके बाद रुपीज़ डॉलर वगैरह वो मैंशन करना पड़ेगा हमें। तो ये थी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जैसे कि एंट्री किस तरीके से करते हैं।